सर्दियों के मौसम में पकौड़ियाँ किसे नहीं पसंद, जिन्हें तेल मना हो उनका भी तो होता है मन। तो चलिए आज हम बनाएंगे उनके लिए खास पकौड़ियाँ। बनाने के लिए हमने लिया हुआ है चने की दाल, एक कटोरी चने की दाल है। जितनी क्वांटिटी में आपको बनानी है उतनी दाल हम ले लेंगे। दो तीन बार इसे धो के और फिर साफ पानी में हम इसे भिंगो के छोड़ देंगे। पानी उतना ही डालें जितनी ज़रूरत हो इसे फूलने में। आप हल्का गर्म पानी डालें तो दाल हमारी एक घंटे के अंदर फूल के हो जाएगी तैयार। हल्का पानी गर्म करके इसमें डाल दें और यहाँ पे अपनी हम दूसरी तैयारी शुरू कर लेते हैं। आजकल सीजन है हरे प्याज का, पत्ते वाली प्याज का, तो क्यों ना पकौड़ियों को स्वाद के साथ साथ सेहतमंद भी बनाया जाए। प्याज ले रही हूँ और साथ में है फूल गोभी का एक टुकड़ा। और इसको और टेस्टी बनाने के लिए एक छोटी या मीडियम साइज़ का हम ले लेंगे प्याज। एक आलू है, आलू को हम कद्दूकस करेंगे और बाकी इन सबको बिल्कुल महीन महीन टुकड़ों में काट लेंगे। यहाँ पे सिर्फ मेरा एक घंटा ही हुआ है और हमारे दाल जो है जितनी हमें चाहिए उतनी ये सॉफ्ट हो चुकी है कि हम इसे आराम से मिक्सी कर लेंगे। अब हम डालेंगे इसे एक जार में और जो भी दाल का पानी है जिसमें हमने भिंगो के रखा था उसी पानी को हम यूज करेंगे। और मिक्सी करने से पहले अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक चम्मच चावल। कच्चे चावल हैं, इससे इसका स्वाद बहुत ही आएगा अच्छा, कुरकुरापन लिए हुए, और तेल भी इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा। दो तीन हरी मिर्च, जितना आपको तीखा खाना है आप मिर्च को डालिए। हमने इसका पेस्ट बना के तैयार कर लिया हुआ है। जो पेस्ट हम बनाएंगे वो ना तो दरदरी होगी ना ही बिल्कुल महीन सी होगी। जो बीच की आती है, जो दरदरी तो ना हो लेकिन एकदम महीन भी ना हो, ऐसा पेस्ट हम बना लेंगे। अब इसे किसी भी हम मिक्सिंग बाउल में डाल लेंगे, बड़े से बर्तन में। और इसके बाद अब अपने प्याज को हमने महीन महीन काट के रखा हुआ था, जितना बारीक हो पाए उतना हम काट लेंगे। हरे प्याज डाल रही हूँ और यहाँ पे हमारी फूल गोभी है, इसे भी बिल्कुल महीन काट लिया हुआ है। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। आलू है, इसे मैंने घिस लिया हुआ है, कद्दूकस कर लिया हुआ है। ऐसे आप चाहें तो छोटे छोटे काट सकते हैं टुकड़ों में, लेकिन कद्दूकस किया हुआ अच्छे से इसमें मिक्स हो जाता है तो मैंने वैसे कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, जरा सा ही है सौंफ का पाउडर, कश्मीरी मिर्च, अगर आपको और चटपटा खाना है तो आप इसमें मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर। नमक डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार, पकौड़ियों में हल्का सा नमक जो है वो हम ज़्यादा रखते हैं। जीरा पाउडर है, मैंने भुना हुआ जीरा का पाउडर डाला है। आप चाहें तो जीरा का, कच्चे जीरे का भी इसमें पाउडर डाल सकते हैं। और अब एक बड़ा चम्मच है सूजी का, महीन वाली है सूजी, उसे मैं इसमें डाल रही हूँ। सूजी को डाल के अगर आप इसे डीप फ्राई भी करेंगे तो ये ऑयली नहीं होता। सूजी की ये खासियत होती है, कुरकुरापन भी करता है और हमारी जो पकौड़ियाँ हैं वो तेल भी नहीं पीती हैं। तो पहले हम डालेंगे सूजी। अब हमें इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, मैं ज़रा सी सूजी और डाल दे रही हूँ। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप चावल का अगर आटा हो तो आप चावल का आटा डालें, आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। अगर ये आपको लगे कि लूज है, इसकी बाइंडिंग अच्छे से नहीं हो रही, तो यहाँ पे आप चाहें तो सूजी की मात्रा बढ़ा लें, आप चाहें तो इसमें कॉर्नफ्लोर डालें, या आप चाहें तो इसमें चावल का आटा डालें। तो जो भी इजली हो अवेलेबल आप उसे डाल करके और इसकी इतनी बाइंडिंग बना लेंगे कि जैसे हम टिक्कियाँ बनाते हैं थोड़ी हल्की सी टाइट, वैसी हमारी ये बनके हो जाएंगी तैयार। अगर ये लूज रहेंगी तो हमारी ये जा करके पैन में तवे में टूटने लगेंगी। डीप फ्राई तो अगर आपको करके खाना है, डीप फ्राई के लिए फिर आप इसी स्टेज पे इसे बहुत आराम से तल सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट और कुरकुरी बनके होगी तैयार। साथ में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे चने की दाल एक चम्मच, जो मैंने भिंगो के रखा था एक चम्मच रख लिया हुआ था। ये जब हम खाते हैं और दाल आता है मुँह में बहुत ही अच्छा इसका आता है स्वाद, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप सारी दाल को ही मिक्सी कर लें। और जब तक हम इन्हें आकार देने लायक ये बाइंडिंग ना हो जाए तब तक आप इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से सूजी, कॉर्नफ्लोर या फिर चावल का आटा डालें। और अब एक तवे पे बैठा के ज़रा सा बिल्कुल डाला है ऑयल, कुछ बूंदे ऑयल की, इन्हें हम फैला देंगे। जब तवा हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल धीमी करके और इसके ऊपर अब हम डालेंगे अपने बनाए हुए इन टिक्कियों के आकार में, आपकी साइज़, अगर आपको बिल्कुल छोटी छोटी रखनी है तो आप छोटी छोटी करके फ्राई पैन में ये कर सकते हैं। मैं तवे पे बना रही हूँ तो तवे पे मैंने इन्हें थोड़ी बड़ी बड़ी साइज़ दे दी हुई है, लेकिन होंगी ये
पकौड़ियाँ ही। जैसी पकौड़ियाँ हम खाते हैं बिल्कुल आएगा आपको पकौड़ियों का स्वाद। धीमी आंच पे पहले हम इसे डालेंगे और उसके बाद फ्लेम को अपने लो टू मीडियम के बीच में रखेंगे। ना तो हमारी ये बिल्कुल ही ज़्यादा धीमी होगी ना ये हमारी मीडियम होगी। जितना हम इसे थोड़ा सा टाइम देंगे सिकने में, उतनी देर में हमारी ये बिल्कुल क्रंची कुरकुरी बनके होगी तैयार। अगर आप इसे तेज़ फ्लेम पे या मीडियम पे कर लेंगे तो ये अंदर से फिर हमारी कच्ची सी रह जाएंगी, तो थोड़ा सा इन्हें टाइम देना होगा। और अगर आप इन्हें डीप फ्राई कर रहे हैं या शैलो फ्राई कर रहे हैं, तब तो हम जैसी पकौड़ियाँ बनाते हैं जिस फ्लेम पे, आप उस पे बनाइए, बिल्कुल कुरकुरी सी ये बनके होंगी तैयार। तो है ना ये बेस्ट ऑप्शन। जिन्हें तेल वगैरह आज के समय में मना होता है कि नहीं खाना, या फिर अपने हेल्थ को लेकर के भी वो नहीं खाते हैं, अवॉइड करते हैं, उनके लिए काफ़ी बेस्ट है ये। और ऊपर से मैं बस दो चार बूंदें तेल की और डाल रही हूँ। जब हम एक साइड से पलट देंगे दूसरी साइड से सिकने के लिए, बस जरा सी मैं डाल रही हूँ और इसे हम धीरे धीरे करके उलटते पुलटते रहेंगे जहाँ रखे। और एक स्टेज पे जब ये सुनहरी हो जाएंगी और आप जब इसे हाथों से टच करेंगे, ये बिल्कुल लग जाएंगी, ये बिल्कुल कुरकुरी सी। जब आप अपने हाथों से इसे टच करेंगे ये एकदम कुरकुरी सी हो जाएंगी। इस स्टेज तक हमें इसे सेकते रहना है। तो आप इसे बिल्कुल, अगर छोटी छोटी साइज़ में कोई फ्राई पैन वगैरह है तो फ्राई पैन में आप छोटे छोटे इस साइज़ के कर सकते हैं। मैंने ऐसे बना दी और देखिए बिल्कुल कुरकुरी हमारी ये बन करके हो गई हैं तैयार। सेहत के साथ साथ स्वाद दोनों ही है यहाँ पे। तो बस हमारी ये बन के हो गई तैयार। अब आप इसे किसी भी हरी चटनी सॉस के साथ खाएं, टिफ़िन में देना हो, लंच में देना हो, कोई गेस्ट आ रहे हैं उन सब के लिए भी बेस्ट है ये पकौड़ियाँ। खाने का तो सर्दियों में मन होता है ऐसी चीज़ें, लेकिन हम ज़्यादा उन्हें हैवी या ऑयली की वजह से नहीं खाते। अपने मन को हमें मारना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिंदास होकर के इसे बनाएं, खाएं, खिलाएं, सर्दियों में पकौड़ियों का आनंद लें। और मैं अभी आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से भी बिल्कुल ही कुरकुरी है ये और बहुत अच्छे से पक चुकी हैं। तो बस हमारी ये मज़ेदार सी पकौड़ियाँ बनके हो गई हैं तैयार। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, खाते रहें, खिलाते रहें। वीडियोज अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। फिर मिलते हैं अगली बार कुछ नए आइडियाज़, नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू।